नमस्कार द न्यूज नाउ च तुंदा सबने दा बड़ा बड़ा स्वागत है। अज मैं तुसें लेई आई दी आं अभिनव थिएटर च जिथे मैं तुसें मिलांग एंडी जमवाल जिहड़े साडे जम्मू दे मन्ने परमन्ने दे डायरेक्टर ने लेखक ने बड़े मशहूर ते आओ मिलने आं। और मैं तुसें दसी ओड़ा अज इन्हें की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलन जादा है जिहड़ा कि साडे C&K स्टेट आसे बड़े मान दी गल है। सर पहले तो तुसेंगी द न्यूज नाउ दी तरफा बड़ी बड़ी मुबारक है। धन्यवाद जी। दीनू भाई पंत होरें दी जिहड़ी ट्रस्ट है उंदी तरफा तुसेंगी अज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिहड़ा थोया है, पहले तो तुसेंगी बड़ी बड़ी मुबारक। और तुस साडे दर्शकें के एक सुनेहा देना चाहते हो? नहीं, मैं दे इस अचीवमेंट की जी अगर लाइफ टाइम है तो मैं तो ये आखना चाह कि कोई भी व्यक्ति जिहड़ा भी कुसै भी फील्ड च है जी, उसी अपनी लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिदा जिहड़ा कि आम दुनिया कोला थोड़ा हटी होवै। कुछ कोई भी फील्ड होई सकता है। मसलन मैं पुलिस च था तो मैं पुलिस च भी अपने आप की बिल्कुल इतना बखरा रखिया हर फील्ड च, ड्यूटी च भी, खेडें च भी, दुनिया के लास्ट राष्ट्रपति पुलिस मैडल मिलिया। तो मतलब यह है कि साढ़े एक शास्त्री जी दी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी के, पीड़ पीड़ा दा कोई सोच नहीं होती। क्या बात? पीड़ ते एक भिड्डें दा एग। अच्छा। वो जैसे भीड़े वैसे ही भीड़ होती है। तो इसलिए उस एगड़ से जो आदमी बाहर निकल के अपनी कुछ पहचान बनाता है तो उसको ये नाम आते ही हैं, मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। ये तो मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन अब ये उनकी मर्जी है। हालांकि वो पंडित जी के साथ हम रहे, वो तो हमारे घर की बात थी। तो ये तो ऐसे हो गया कि घर वाला घर वाले कोई नहीं, नाम नहीं, दे नहीं, रहा। सर ऐसी गल नहीं है। दीनू भाई पंत जी एक ऐसा नाँ है जिहड़ा साढ़े J&K स्टेट आस्ते साढ़े एक बड़ी मान की गल है, उनकी तरफा उनकी ट्रस्ट की तरफा एक जियां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तुसें गी थोआ दा है। जिहड़ी साड़ी नौजवान पीढ़ी है, आने वाला जिहड़ा साड़ा टाइम है, खासकर जिहड़ी साड़ी लैंग्वेज की लिए काफ़ी सारी एक अज की डेट च शर्म करते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, इंदे पर तुस के आखना चाहते हो जिहड़ी साड़ी नौजवान पीढ़ी है? देखो जी, इंदे आस्ते गए मैं ते पूरे डुगर आस्ते इक्कै गल आखूंग। मेरी एक गजल का शेर है जी, दुनिया च जेक आया ता किश छोड़ी जा निशान। क्या बात जी। दुनिया च जेक आया ता किश छोड़ी जा निशान, आंदा है कुन दोबारा, किसते ख्याल कर। तो जो लोग अपना कोई ना कोई पद चिन्ह छोड़ के जाएंगे उन्हीं की बात होगी, और वो छोड़ने के लिए आपको उम्र लग जाती है। वो उम्र अभी 60 साल तो मुझे भी हो गए इस क्षेत्र में, 60 साल से तो अब भी समझते हैं कि जितना करना चाहिए था उतना कर नहीं पाए। अच्छा, अजय भी तुसे की लगता है कि जितना करना चाहिए था तुसे नहीं किता? यस। ओके। मतलब जिस दिन मेरा ये भी एक आखना है मेरे कि जिस दिन ये ख्वाहिश ये उब खत्म हो गई तो आदमी जिंदा जी के मरता है। उब गया उसी जिंदा रहती है, और उब हमेशा ही होती है कि किस न किस किता जा। जिस दिन तुसे ये सोचा कि नहीं हूँ किश नहीं करना तो फिर थोड़े तो मुर्दे च कोई फर्क नहीं। कोई फर्क? क्या बात है, क्या बात है। मेरा तो ये नजरिया मैं ऐसे नजरिए कन्नै चलिया, और ओदे जे लोग मेरे मतलब मेहरबान रहे इंदी छत्र छाया च मैं इत्थे तक पुज्जिया। अज दो कुछ दिन पहले पद्म श्री मतलब जड़िया चीज़ा तो सोची भी नहीं सकते मिलदी हैं। तो नहीं भी मिल लेकिन थोड़ा जरा कम है उन्हें तो रोना गै रोना। मतलब मी कोई अवार्ड नहीं भी मिले
लेकिन जेड़ियां पंजा किताबां में अपने भाषा की अपने साहित्य की देई चलियां जी ओ ते हैं ओ ते लोग हुन पढ़ा दे हुन मंगी है पढ़ा ये पढ़ा दे हुन मंगे पढ़ा तो एदे कोलो बड़ी चीज और के चाहिए तुसी ये सारे कोलो बड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आज मैं जिक्र जरूर करूं फ्रेंच क्लब फ्रेंच क्लब नाटक खेलते थे और उन्हें मी भी मजबूर किया कि उनके पहले नाटक का ई रोल मैं आख्या उन्हें पुलसा का आदमी तो मी में एक अनुभव नहीं माना ये तुम करना और उन मेरे सामने सारे कलाकार पूर्ण सिंह को रही है विष्णु गोपाल शर्मा शास्त्री जी पुत्र मेरे दिखे मुंशी प्रेमचंद की कहानी उन्हें ड्रामेटाइज की हुई थी पूर्ण सिंह वो में हीरो बनिया बाल उल्ले थोड़े है बिल्कुल इं है लेकिन मेरे सामने शास्त्री जी इतने कुछ बैठे नाटक सरपंच डोगरी एदी डोगरी भी साहित्य अकैडमी की मानता मिली 1969 च ये नाटक दिल्ली के लिए ते मेरे उस वेले इक चीज आई कि कदें मेरा नाटक भी इस स्तर पर खेडिया जा वो प्रेरणा मेरे कन्ने रही फ्रेंड्स क्लब का सहयोग मेरे कन्ने रहा मैं कुल त्रै कॉन्फ्रेंसा कीतियां लेकिन अगली दोनों कॉन्फ्रेंसें मेरे दो नाटक खेडे अलग टोली वीर सफाई ते मंडली महकमे च सोयाबीन की एंट्री वो करती वो सोयाबीन का कुछ एक पिलो आटा उन्हें बेकरी आले कितने दा ऐ जी बिस्कुटां बनाई दिया उन अस बिस्कुटां खाचै ते पंतर असें दिखो किन्ना सुआद है उन्हें असें सोयाबीन का पूरा लैक्चर दे दिता अजीब लोकें कन्नै अजीब किस्म के मेहरबान लोकें कन्नै मेरा जीवन निकले है उदे बाद असें कई बारी फिर बाद जी इन्ना भी हो गया जल्द भी पेंशन हो गई है मैं भी पेंशन हो गया एक घर मेरे आस्ते एक घर बन गया और उस घर च जिस वेले ये आफर हो गया कि मी ये इनाम दिता गया तो बिल्कुल ही अजीब लड़का था लेकिन मैं एक गल जरूर आखूं कि एक खुआन बड़ा प्रचलित खुआन है घर का जोगी जोगड़ा ते बाहर का जोगी सिद्ध मैं कम से कम जिले ठंडे दिल ने सोचा तो मेरे दिमाग च एक चीज आई भाई जेकर घरा अपने जोगड़े की सिद्ध था पीए सम्मान दे धरती
ਉਹ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਚੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਦੀਨੂ ਭਾਈ ਪੰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਾਈਏ ਨਿਕਲਦਾ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੇਖ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਚੌ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਵਧਾਓ, ਇਹਨੇ ਮੀਟ ਖਿਲਾਓ, ਆਂਡਾ ਖਿਲਾਓ, ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਿਪਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੰਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਨਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੜਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਵੇ। ਇਆਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਇਆਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ 1965-66 ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਭਰਾਂਗੇ ਲੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰਾਤੀ ਬਲਦੇ, ਤਾਂ ਬਲਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਮਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰ ਕਾਰਡ ਲੀਵਰ ਆਇਲ ਨੇ ਕੁਛ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ ਡੀ ਜੰਮਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਥੋਇਆ ਦੀਨੂ ਬਾਈ ਪੰਥ ਟਰੱਸਟ ਥਮਾਂ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਓ।